गुड मॉर्निंग डपकू। उठ गया? हाँ। भैया सब उठा डपकू? हाँ। कौन कौन भैया? दोनों उठ गया। रात में बढ़िया से नींद आया ना? हाँ। गर्मी भी लग रहा था? गर्मी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। नहीं, रात में तो हवा चला तो ठंडा लग रहा था, लग रहा था ना। हाँ। एक ही पेड़ से रेड भी है और ये पिंक टाइप का, एक पेड़ से दो कलर का फूल। नींबू भी आया हुआ है। व्हाइट वाला फूल, देखा डपकू? पेड़ पे चला गया। पानी के टंकी पे एक बंदर आकर के बैठ चुका है, पता नहीं वो पाइप को तोड़ ना दे। ये बंदर जो है उधर वो पहाड़ से, जंगल से आकर के, एक नहीं दो तीन आया हुआ है और हमेशा आते ही रहता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी ये पानी के टंकी पे बैठा ही हुआ है। यहाँ पे हम छत पे इसलिए आए हैं कि ये पूरा यहाँ से वहाँ तक इसको धोना है, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। ये बस इसी तरह बंदर उंदर जो आते हैं कुछ ना कुछ गंदा कर देते हैं, तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो छत को साफ करने से पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो बाकी काम को करते हैं स्टार्ट। नहाएगा डक्कू? छत्ता बनाएंगे। तो आज का मौसम भी वैसा ही है जैसा कल था, और आप देख रहे होंगे पूरा मतलब आसमान में बादल छाया हुआ है, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो फिर हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा, जो हम ये पानी मार करके सफाई कर रहे हैं। तो आधा छत हमारा साफ हो चुका है और आधा सामने बचा हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं इधर से, ये देखिए आधा पूरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आधा बच गया है, तो आधा को फटाफट हम साफ कर लेते हैं। तो छत पर का पूरा अच्छे से सफाई कर दिए हैं, और उधर से लेकर के इधर तक पूरा बढ़िया से इसको हम साफ उप कर दिए हैं। और आज का मौसम तो देख ही सकते हैं, कल ही जैसा लगा हुआ है। और पता नहीं, ये कह भी नहीं सकते, कंफर्म भी नहीं कि बारिश हो या ना हो, लेकिन मौसम बारिश जैसा ही लगा हुआ है। पूरा चारों तरफ धुंध सा छाया हुआ है, वो देख सकते हैं पहाड़ पे पूरा एकदम अंधेरा छा गया है। पता नहीं, अगर बारिश होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा दुख होगा कि हम छत को साफ़ किए और ऐसे बारिश आता तो खुद ही साफ़ हो जाता। पच कोई नहीं, बाकी चलते हैं नीचे और फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कबूतर देख लीजिए, बहुत सारा कबूतर है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 8, सभी उड़ गए। हमारे घर में बहुत सारे कबूतर हैं। तो ये देखिए, हमारे घर से कबूतर का 2 बच्चा निकला, जो कि बहुत सारा कबूतर है घर पे। तो जहाँ पे कबूतर रह रहा था वहीं से हम अभी इसको निकाले हैं, और फिर इसको वहीं पे हम अभी वापस रख देते हैं। इधर आके देखो कैसे कोना में घुस गया। और यहाँ पे अभी 4 अंडे और है, तो वो भी हमको लगता है 1 सप्ताह में उसे फूट करके बच्चा निकल जाएगा। तो बाकी यहाँ का यही सीन है, कबूतर पकड़ो अंडा दिखाओ, कबूतर का बच्चा कर रख दिए। तो चलिए, बाकी और काम है।
हम छत की सफाई कर करके अभी हम फ्रेश हुए हैं, फर्स्ट क्लास नहा धोवा करके तैयार हो चुके हैं। और आपने देखा कि हम जिस रूम में एक कबूतर के बच्चा को निकाले थे उसको हम वहाँ पे रख दिए, और उस रूम को साफ़ करने में हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, और जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो चुके थे। तो पूरा हम साफ़ सफाई कर चुके हैं और अभी हम नहा हुआ करके रेडी हो गए हैं। तो अभी हमको जाना है मार्केट, और इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।